अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लिनक्स के टर्मिनल को विंडोज़ मशीन पे पुटी के सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम पुटी खोल लेते हैं, आइए। और लिनक्स को मैंने अपनी वर्चुअल मशीन पे खोला हुआ है, तो हम बेसिकली पुटी के अंदर जिस लिनक्स की मशीन को हमने एक्सेस करना होता है उसकी आईपी डालते हैं। तो ये मैंने वी एम वी आर पे उस टर्मिनल खोल लिया। यहाँ पर आई पी कॉन्फिग की कमांड लिखूँगा और इसकी आई पी यहाँ से कॉपी करके पुटी वाले मशीन पे आऊँगा। यहाँ पे देखें होस्ट नेम और आई पी एड्रेस, यहाँ पे मैं इसकी आई पी करूँगा और सिंपली ओपन पे क्लिक कर दूँगा। अब देखेंगे कनेक्शन बना रहा है और उसके बाद इसने क्या दिया, नेटवर्क एरर, कनेक्शन रिफ्यूज़। मैंने मतलब सही है, ओके। उसकी वजह क्या है कि पुटी जो लिनक्स मशीन से जो आपकी कनेक्शन बिल्ड कर रही होती है वो SSH सर्विस के थ्रू कर रही होती है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा SSH सर्विस का स्टेटस। बेसिकली SSH सिक्योर शेल है, इसके थ्रू ये कर रही होती। मैं लिखूँगा सर्विस SSH स्टेटस, ये हमें SSH का स्टेटस बताएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस क्या है, इनएक्टिव डेड। तो यानी कि हमारी SSH सर्विस स्टॉप हुई हुई है, फिर इनएक्टिव है, जिसकी वजह से ये पुटी के थ्रू सेशन नहीं ले पा रही इस मशीन का। अब हम क्या करेंगे, सर्विस SSH स्टार्ट। अब जब SSH स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये मैंने जो मेरा नॉर्मल यूज़र था उससे कर लिया। यहाँ पे ये ऑथेंटिकेट करेगा इस सर्विस को, क्योंकि हम कोई सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड कर दूँगा, आप लोग को बस इसी तरह विंडो आएगी, या फिर आप सूडो स्विच यूज़र करके इसको अपने रूट यूज़र से स्टार्ट कर देगा। मैंने ऑथेंटिकेट किया, देखें कमांड एग्जीक्यूट हो गई। फिर मैं स्टेटस चेक करूँगा SSH का, देखिए अब यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, एक्टिव रनिंग, सही। अब मैं अपनी पुटी पे आ गया, देखें यहाँ पे पुटी इनएक्टिव थी, जो मैंने आईपी डाली हुई थी उस आईपी पे इनएक्टिव हो गया था, क्योंकि कनेक्शन में इसको क्या करूँगा, रीस्टार्ट कर देता हूँ सेशन को। अब देखें ऊपर मेरी आईपी आ गई मशीन की और लॉगिन के लिए आ गई। अब मैंने यहाँ पर अपना लॉगिन यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और ये देखें यहाँ पे विंडोज़ मशीन पे मेरा टर्मिनल पे पुटी के थ्रू टर्मिनल एक्सेस हो गया। अब मैंने यहाँ पे आई एफ कॉन्फिग लिखूँ तो देखें ये वही आईपी आ गई जो हमारी लिनक्स की आईपी है। लिनक्स की आईपी यहाँ पे एक दफ़ा और दिखा देता हूँ कि भाई आई एफ सी एम एफ आई जी कॉन्फिग की ये कमांड है, ये नेटवर्क लेवल कमांड है और ये आईपी हमारा शो करवा देती है मशीन के। सही है, देखें ये वही आईपी आ गई और ये मैं यहाँ से पुटी के थ्रू सारी जो भी मैं लिनक्स की कमांड्स वहाँ रहे हैं वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो चलें सही है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।